हाँ लक्की भाई परेशान हो रहे थे बहुत, क्या हुआ ये लाइट टूट गई ना आपकी गाड़ी की? तो अच्छा तो कितने की आती है भाई, ऑडियंस को बताओगे क्या? अरे पूछो मत यार, चलो मैं ही बता दूंगा वीडियो में, है ना? क्या हो गया? लूट मचा रखी। तो चलो भाई इसका तो रिएक्शन देख के आप समझ गए होंगे लाइट कितने की आती है, तो मैं वीडियो में आगे बने रहे, मैं जरूर बताऊंगा आपको। एक बार दिखाओ तो सेम ये लाइट कितनी सी लाइट है ये चीज, ये भाई इसका जो फ्रेम, खाली फ्रेम बस, ये फ्रेम भाई इसके तोते उड़ रखे हैं, इतनी महंगी लाइट आ रही है। अब पता नहीं सच में आ रही है, यामा वालों ने इसको बना के भेज दिया, पप्पू इसका काट दिया। ऑर्डर देने पे ऑर्डर हो रहा है ना इसका, ऑर्डर दिलवा रहा था ना मैं, जब जो रेट आ रही थी ना वो, उसमें जीएसटी वगैरह अलग से ऐड होगा फिर वो। तो भाई इसके पप्पू उड़े हुए, तोते उड़े हुए इतनी सी लाइट के चक्कर में। अच्छा और पूरी बाइक टूट जाती तो भाई पागल हो जाता, चेंज ही नहीं करवाऊं भगा रहे इसके। है सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, एंड लास्ट व्लॉग में मैंने बात की थी आपसे कि ये लक्की भाई की गाड़ी, लक्की भाई ये खड़े अपने भाई, लक्की भाई हाय कर दो यार, परेशान क्यों भाई, गाड़ी ठीक हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत महंगी है, महंगी अभी मत बताओ रेट, अभी थोड़ी देर बाद अपन रेट बताएंगे। तो भाई ये खड़ी अपनी आर एस, अपनी रानी, बस की तो बात ही अलग है, लुक ही अलग है। और ये अपन ने अभी रिसेंटली में परचेज किया था नया हेलमेट, इग्नाइट का है, स्पेशल एडिशन है भाई, बहुत प्यारा हेलमेट है, और मतलब वीडियो में दिख रहा हो कितना प्यारा हेलमेट है। तो मेन मुद्दा जो था ना मेरा इस वीडियो को बनाने का, वो ये था कि भाई यामा की गाड़ी है FZ25 स्पेशल एडिशन है ना मॉन्स्टर वाला, हाँ भाई स्पेशल एडिशन है मॉन्स्टर वाला। तो अभी रिसेंट में इसका क्या, एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था? अड़ाया कहाँ पे था? बच्चा आ गया सामने, भाई पता नहीं, साइकिल रोक दी, साइकिल का हैंडल अड़ा या क्या अड़ा, कुछ भी नहीं पता। पीछे की बैक सीट अड़ गई है ना, लोहे वाली, पता नहीं क्या कैसे अड़ा, हो ही जाता है एक्सीडेंट के अंदर, कुछ नहीं पता चलता कैसे क्या अड़ा क्या नहीं अड़ा। तो भाई गाड़ी थोड़ी बहुत गंदी हो रही तो उसको इग्नोर मारना। तो पहले मैं देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये लाइट ऑन करी, लाइट क्यों ऑन हुई भाई? हो गई ना, हो गई क्या? अच्छा भाई दिख नहीं रही उजाले के अंदर, सॉरी। तो ये देखो इसकी जो हेडलाइट है ना गाड़ी की, यहाँ से टूट गई। अब ये हेडलाइट तो जो है ना इसकी मेन लाइट, वो तो सेफ है, लेकिन ये जो DRL है ये टूट गई। अब ये कंपनी में गया इसको लेके, एंड कंपनी वाले से पूछा कि भाई ये कितने की आएगी, क्या आएगी बताना मत अभी, कितने की आएगी भाई इसके एक बार शक्ल देख के बताओ कितने की आ सकती है, इतना परेशान है, मतलब क्लेम उठाने वाली तक बात आ गई इस पर। तो ओवरऑल गाड़ी की जो लाइट है भाई, कंपनी वालों ने बताई 14,000 रुपये की, और वो अभी ऑर्डर पे आएगी, अभी आपको नहीं मिलेगी। तो भाई यार इतनी सी चीज़ की 14,000 लेना यार, कहाँ वर्थ इट है बताओ। अगर आपका पूरा मास्क चेंज होता फ्रंट का तो समझ भी आता कि यार 14,000 का आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार इतनी सी चीज़ के 14,000, बोले अंदर का जो पैनल लेना है सिर्फ ये वाला बस, फ्रेम हाँ। ये लाइट तो सही है, फ्रेम भी नहीं, ये जो फ्रेम है ना ये वाला, मतलब ये जो फ्रेम लगेगा इसके ऊपर वो सिर्फ 14,000 रुपये का। तो यार 14,000 रुपये जैसी तो भाई ये चीज़ ही नहीं, अगर आप बाहर जाओ कुछ भी लो, इसके नहीं आते भाई पार्ट, भाई 600 cc की गाड़ी थोड़ी ना है जो 14,000 के इतने से पार्ट लोगे तुम यार, हो सकता है आते होंगे लेकिन यार भाई देखो वर्थ इट नहीं है। एंड आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि भाई वर्थ इट है क्या 14,000 इतने से पार्ट के। भाई गाड़ी बहुत पावरफुल है, 250 cc के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है अपन को। टॉप स्पीड क्या है इसकी? 150। तूने कितनी चलाई है? 148, मतलब 150 की अच्छी खासी टॉप स्पीड आ जाती है नेकेड बाइक के अंदर, काफ़ी अच्छी गाड़ी मैंने खुद ने चलाई, और इसका भाई पिकअप बहुत अच्छा है। पिकअप की बात करूँ तो भाई RS से ज़्यादा पिकअप है इसके अंदर, मतलब इनिशियली अगर आप फर्स्ट गियर में खींचोगे ना तो इसका ज़्यादा पिकअप है इससे। तो गाड़ी काफ़ी अच्छी, लेकिन यार इसके पार्ट्स काफ़ी महंगे और स्पेशल एडिशन है जैसे तूने बताया। तो इसके कितने एक्स्ट्रा दिए थे तूने पैसे स्पेशल एडिशन के? फिर भी 15-20 हज़ार तो ऊपर के लगे ही होंगे तेरे। 10-12 हज़ार महंगा है। हाँ तो भाई नॉर्मली पता 10-12 हज़ार किसके लिए है? यामा वालों ने। ये एक ये वाला स्टिकर हो गया, और एक ये वाला स्टिकर हो गया, ये सिर्फ इसके, और एक ये वाला स्टिकर हो गया, एक ये वाला स्टिकर हो गया, मतलब भाई 500 रुपये के जो स्टिकर बाहर से बनते हैं या ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं ना, उसके यामा वालों ने इससे 10-15 हज़ार रुपये ऊपर के ले लिए, क्या बोल के कि हमारा स्पेशल एडिशन है। एंड भाई देखो सबको पता है एडिशन है स्पेशल। हाँ ये जो मॉन्स्टर एडिशन है ना भाई, ये 2012 में पल्सर 220F पे लगा के घूमते थे और उसके बाद फेमस हुआ था मॉन्स्टर एडिशन, ठीक है। तो भाई यामा वालों यार थोड़ा यार देखो क्या कर रहे हो, इस पर 500 रुपये के चक्कर में लोगों को लूटो मत, 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार लगा के। अब मेरे को नहीं पता भाई कितने लगे इसके, ये तो बता रहा मेरे को 10-1 हज़ार रुपये महंगा था ये, लेकिन फिर भी 10 हज़ार रुपये वाली चीज़ नहीं है भाई, 4 स्टिकर के, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, बस स्टिकर का पैसा अलग से लिया। तो भाई 14,000 रुपये की लाइट है, पता नहीं क्या ही सोच के बनाई है वालों ने। भाई वीडियो शूट कर रहे थे अपन, अभी भैया आ गए, भैया हाय कर दो एक बार। आपका नाम? सुभाष। तो भाई यही सीन है,
भाई ऐसी चीज लो, स्पेशल एडिशन में मत जाया करो, उसके पार्ट भी नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता। अगर आपको स्पेशल एडिशन बनवानी है भाई 500-2000 रुपए खर्च कर दो, बाहर से स्पेशल एडिशन बन जाता है। अब मेरा वाला स्पेशल एडिशन है भाई, किसी के पास ही नहीं होगा। पता है कि उसका कलर चेंज है, अब कलर देख लो भाई, इसका चारकोल सा कलर निकल के आता है इसमें। अभी चारकोल कलर मैंने करवाया नहीं ना, स्पेशल एडिशन है, मैंने आप पे इसमें ब्लैक फिल्म चढ़वा रखी है, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको, जिससे चारकोल जो है इसका कलर आता है। और धूप में खड़ी कर ले, उसको ऐसी शाइन मारती है, लोग पता नहीं कर पाते इसका कलर कौन सा है। यहाँ पे रेडियम का है, ये रेडियम का मैंने बनवाया था अलग से पैसे देके, 350-400 रुपये का ही बनवाया था मैंने, ठीक है। ये स्पेशल एडिशन में भी नहीं आ रहा, मैंने अलग से कस्टमाइजेशन करवा रखी है। 3000 में मैंने पूरी मेरी गाड़ी कंप्लीट करवा दी, और यहाँ पे सिर्फ 10,000 लिए हैं या 15,000 लिए, जो भी, वो सिर्फ चार स्टीकर के। तो भाई एक बार बताओ, ये ज़्यादा वर्थ इट होती है चीज़, है ये वाली ज़्यादा वर्थ इट होती है? तो वही है भाई, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, जिसको जैसा पसंद होता है वो होता है। यामा यामा है, बजाज बजाज है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, थोड़ी भी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू गाइस।